नमस्ते गुरु जी, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी सत्संग जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से समस्त गुरु परिवार का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में ब्लेस संगत, ब्लेस दिवा, ब्लेसिंग आंटी, जिनको सारा संसार, सारा भारतवर्ष, सारा गुरु परिवार ब्लेसिंग आंटी के नाम से जानता है, वंदना आंटी, डियर वंदना आंटी संगत के लिए आई हैं। बहुत बहुत स्वागत है वंदना आंटी, ओवर टू यू प्लीज। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आंटी अनम्यूट करें अपने आप को। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल, जय गुरुजी। स्वागत है आपका आंटी, बहुत अच्छा लगता है आज आपका। आपको मालूम है कि आपका आपकी संगत 5 महीने पहले होनी थी, किसी कारणवश जो इतना हेक्टिक शेड्यूल था संगत का तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो शुक्राना महाराज था कि आज आपने समय निकाला है संगत के लिए। आंटी, एक गुरुजी का वचन है जो कि मैं पढ़ूंगा हिंदी में, प्लीज तो 2 मिनट के लिए उसको आप गुरु परिवार के लिए व्याख्यान करेंगे, उसके बाद में अपने संघर्ष शुरू कर सकती हैं। धरती नू कोई नमस्कार नहीं करता, जेड़ा एना कुछ देंदी है ते तुहाडा भार सहिंदी है। हुण एना पाप वध गया है कि धरती भी चीखा मार रही है। नो वन बोज डाउन टू मदर अर्थ इन रिस्पेक्ट एंड थैंकफुलनेस। It gives you all so much and is tolerating your weight for so long. Now even the earth is crying. Jai Guruji Aunty, please ab iski vyakhyan karke sangat shuru kare, please. Jai Guruji. Jai Guruji, Jai Guruji, Anantam Shukrana mere Guru Maharaj. और सारी संगत को, साथ संगत को बहुत बहुत नमन। जय गुरुजी। गुरुजी से ये अरदास कि गुरुजी सर्वदा भला करे और जो जो संगत आज इस सत्संग में जुड़ेगी उन सबको ब्लेस करे। तो थैंक यू अंकल जी, ये मेरे को सेवा देने के लिए आपने प्लेटफॉर्म पर। और गुरु महाराज का तो अनंतम शुक्राना है कि वो मुझ नलायक को इस लायक समझते हैं कि मैं उनकी महिमा का बखान कर पाऊं। लेकिन मेरी वाणी में इतना दम नहीं है, तो गुरु जी से आज्ञा लेते हुए और गुरु जी से नमन करते हुए कि गुरु जी आज आप मेरी वाणी में बैठ जाइए, ताकि जो आपने अपने संग में अपने बच्चों का जो कल्याण करवाना है आप खुद करवाइए। तो जैसे अंकल जी ने बोला कि जो गुरु जी का वचन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो गुरु जी आज्ञा दीजिए, मैं इस आपके वचन को एक्सप्लेन करने में पूरी अच्छे से क्षमता से खरे उतरूं। अपने बच्चे पे ब्लेस कीजिएगा, रहम कीजिएगा। तो संगत जी, जैसे हम कहते हैं कि धरती माता, धरती हमारी माँ है, और हमारी जो माँ नाम जो एक वर्ड है, भगवान ने जो माता नाम का एक वर्ड बनाया है, उस वर्ड में कितना पावर है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैंने अपने रूप में अगर धरती पे किसी को भेजा है तो माँ को भेजा है। और जब हम धरती को माँ कहते हैं, तो एक माँ जैसे अपने बच्चों के लिए कितनी पीड़ा सहन करती है, कितना अपने बच्चे को प्यार देती है, उसके लिए सब कुछ करती है, ऐसी धरती माता हम सबके लिए करती है। क्या क्या नहीं देती है, अनाज देती हैं, कपड़ा बनाने के लिए कपास जिससे धागा बनता है, कपड़ा बनता है, और सब कुछ करती हैं। और क्या कुछ नहीं सहन करती, हमारे जुल्म, हमारे अत्याचार, हमारे बुरे कर्म। जो हम इंसान हैं, हम इतने पापी हैं कि दिन पर दिन हमारा जो बोझ है वो धरती माता खुद हमें हमको सहन कर रही है। लेकिन इस कलयुग में इतना पाप बढ़ गया है कि अब धरती माता से ये पाप भी नहीं सहन हो रहा, और धरती माता रो रही है। क्यों? क्योंकि हमने माँ की अवहेलना करना शुरू कर दिया है, हमने माँ की, धरती माता की इज्जत ही नहीं करनी खत्म कर दी है। गुरु जी कहते हैं कि धरती माता को कोई अप्रणाम ही नहीं करता,
पहले के युग में ऋषि मुनि या लोग जो भी होते थे, तीन चीजों को सबसे पहले, सबसे उठते उठकर सबसे पहले तीन चीजों को नमन करते थे, एक धरती माता, चंद्रदेव, सूर्यदेव, इन तीनों को। और लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, आजकल हम उठते ही नहीं है सवेरे, तो धरती माता कहाँ से याद आएंगी हमें कि उनको प्रणाम करना है, जो हमें इतना सब कुछ देती हैं, जो हमारा पालन करती हैं, जो हमें पोसती हैं, जो इतना प्यार देती हैं, जो इतना दुलार देती हैं, हमारे पापों का जो बोझ है वो खुद सहन करती हैं। तो क्या हम धरती माता को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं? नहीं देते। तो गुरुजी यही कहते हैं कि धरती माता को कोई नमस्कार ही नहीं करता, वो हमारे पापों को इतना सहन करती है, हम उनको थैंक्स ही नहीं कहते, धरती माता को ग्रेटिट्यूड ही नहीं देते, उनको देना चाहिए। जब हम उनको माँ कहते हैं तो माँ का दर्जा सबसे ऊपर होता है, सर्वोपरि होता है। माँ जो है वो भगवान है, भगवान आपने नहीं देखे, लेकिन अगर भगवान को आपने देखना है तो माँ के रूप में देखिए, और धरती माता सबसे बड़ी माता है। तो उस धरती माता को शत शत नमन, इसीलिए क्योंकि अब धरती माता इतना परेशान हो गई है हमारे पापों से, हमारे बुरे कर्मों से, कि अब धरती माता भी रो रही है। धरती माता कह रही है कि कैसे मेरे बच्चे हो गए हैं, जो समझ ही नहीं रहे, उनमें संस्कार खत्म हो गए, उनमें भगवान जो एक ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग थी वो ही नहीं है, थैंक्स वाली फीलिंग ही नहीं है। तो फिर हम धरती माता से कैसे उम्मीद करेंगे कि माँ हमें पालेगी पोसेगी। बच्चे कपूत कपूत होती है, लेकिन माता को माता नहीं होती। इतने हमारे बुरे कर्मों को सहन करने पर भी, हमारे पापों को सहन करने पर भी, कितना धरती माता अपने बच्चों को प्यार करती है, सारे कष्ट सहन कर लेती है, फिर भी हमें अनाज से लेके एक एक चीज हमें धरती माता से ही उत्पन्न होता है, लेकिन हम कभी धरती माता की कदर ही नहीं करते, उनको थैंक्स ही नहीं कहते, उनको प्रणाम ही नहीं करते। तो इसलिए गुरु जी कहते हैं कि सबसे पहले सुबह उठ के धरती माता को प्रणाम करो, उनका आशीर्वाद लो, उनको ग्रेटिट्यूड दो, उनको थैंक्स दो, ताकि आपके अंदर संस्कार भरे और आपके आने वाले जो वंश है, आपके जो बच्चे हैं, उसको देखे एक अच्छी सीख सीखे। तो जय गुरु जी, संगत जी, ओवर टू सुरेश अंकल जी। जय गुरु जी, बहुत सुंदर शब्दों में आपने व्याख्या की है। आंटी प्लीज आप संगत स्टार्ट करें। जय गुरु जी। जी तो जय गुरु जी सबको, और जो जो संगत आज जुड़ रही है, गुरु जी महाराज से अरदास है कि गुरु जी सर्वदा भला करें, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि सत्संग करने वाले का भला और सत्संग सुनने वाले का भला। तो आप सबको गुरु जी बहुत ब्लेस करें, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, गुरु जी की प्यारी संगत का अनंतम शुक्राना। तो सत्संग शुरू करने की आज्ञा लेते हैं गुरु जी से कि गुरु जी आज आप मेरी वाणी में बैठ के अपने बच्चों का जो कल्याण कराना है आप करा दीजिए। मैं शुक्राना करूंगी इस मल्टीलिंगुअल ग्रुप का कि उन्होंने ये सेवा का मौका दिया। ये मल्टीलिंगुअल ग्रुप सुरेश बॉसन अंकल की से द्वारा इन्हें चलाया जाता है, और ये ग्रुप इतना अच्छा गुरुजी की सेवा कर रहा है कि मैं जितना बखान करूं उतना कम है। जैसे कि आप जानते हैं कि मल्टीलिंगुअल जो ये ग्रुप है, प्लेटफॉर्म है, दुनिया भर में मशहूर है, और इसके जो सेवाएं हैं वो इतनी बढ़िया हैं कि महाशिव पुराण की रीडिंग हो गई, या फिर गुरु नमन का जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो कॉन्टेंट है उसको ट्रांसलेशन इन्होंने किया है, लाइट ऑफ डिविनिटी जो गुरु जी की साखिया है उसका भी ट्रांसलेशन इन्होंने अब बस कंप्लीट हो गया है। इतनी लैंग्वेजेस में, पंजाबी, बंगाली, मराठी, गुजराती, हिंदी तो है ही, और गुरुबानी जो शब्द व्याख्या है उसकी भी 13 लैंग्वेजेस में नरेशन हो चुकी है। मास्टर ऑफ लाइफ एंड डेथ जो नरेश अंकल के द्वारा लिखी गई बुक है उसको भी सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। तो इतनी अच्छी सेवा देते हैं ये मल्टी लैंग्वेज ग्रुप जो है, मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। मिसलेनियस सर्विस में जो है वो संगत के लिए जूम पे सत्संग होते हैं मंडे टू फ्राइडे,
और फ्लावर ऑफ ग्रेटिट्यूड एक बुक है जो कमलेश मेहता आंटी जी ने लिखी है, उसका भी रिसाइट और नरेशन होता है। और उसके बाद फिर गुरु जी के जो वचन्स हैं सैटरडे को, एवरी सैटरडे 9 to 10 उनकी व्याख्या की जाती है। तो सही मायनों में तो सेवा ये है, हम तो नलायक बच्चे हैं लेकिन फिर भी गुरु जी ने इस लायक समझा है, तो गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना है। और आज का सत्संग शुरू करते हैं। तो जय गुरु जी। जब भी हम सत्संग स्टार्ट करते हैं या किसी से भी मिलते हैं तो हम बोलते हैं जय गुरु जी। तो जय गुरु जी का जो शब्द है हमारे जीवन में उसका क्या अर्थ होता है? उसका ये अर्थ है कि जब मीन्स जब आपके जीवन में चारों तरफ अंधेरा हो या जब आपका यकीन ही उठ जाए, जब गुमसुम आप हो जाते हो, बहुत परेशान हो जाते हो, रू तो रू के आपके काम बन जाते हैं, जी जब जीवन में आप गुरु जी का नाम जपना शुरू कर देते हैं, उनका ध्यान करना शुरू कर देते हैं, उनको सिमर करना शुरू कर देते हैं। तो जय गुरु जी शब्द में इतनी पावर है कि गुरु जी कहते हैं कि मैं अगर हूं आपके पास तो आपको कभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बस चिंता करना मेरा काम, मतलब गुरु जी का काम। और जिसने अपनी चिंता, जिसने अपनी फेथ, अपना सरेंडर गुरु जी के चरणों में कर दिया, तो आप समझ लीजिए यू विल बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे क्योंकि गुरु जो ये जो वर्ड है कहने के लिए बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन देवताओं को भी गुरु का सहारा लेना पड़ता है, गुरु बिना गति न हो। क्योंकि जब में कोई मीत नहीं देखा ढोक बजाए, एक मीत सतगुरु मिले हर पल होत सहाय। गुरु ही ऐसे हैं जो हमारे जीवन की धाराओं को, दिशाओं को बदल देते हैं, हमारी राहों को बदल देते हैं। वो कैसे कि हमें, हम जिस राह पे जा रहे हैं वो हमारी राहें जो है सतमार्ग की तरफ ले जाते हैं। और गुरु जी का सत्संग, तो सत्संग का मतलब है सच का संग। और सच कौन है? हमारे ईश्वर, हमारे प्रभु, हमारे गुरु जी। तो जब हम सत्संग करते हैं तो इसका मतलब है कि गुरु जी ने हमें अपनी शरण में लिया है, गुरु जी के हम साथ हैं, गुरु जी हमारे साथ। कभी ये मत कहो कि मैं करना है, मैंने क्या, मैं गुरु जी के पास गई, मैंने ये किया। नहीं, हम कोई भी नहीं है, हमारे में इतनी शक्ति ही नहीं है या हमारे में इतनी औकात ही नहीं है। ये तो गुरु महाराज है जो हमें अपनी शरण में लेते हैं, क्योंकि वो महाशिव। हम कौन से जन्मों से गुरु जी ने हमें जोड़ा हुआ है हमें नहीं पता, और हमें कभी पता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें गुरु जी के आगे, भगवान के आगे अपनी बुद्धि नहीं चलानी चाहिए। क्योंकि जो हमारी बुद्धि है, जो हमारी सोच ही है, जो हमारी सोच है, वो भी सब गुरु जी ही देते हैं। तो देने वाले वो, कर्ता वो, कारक वो, तो उनके आगे हमारी क्या औकात कि हम कुछ कर सके। क्योंकि उनके इजाजत के बगैर, उनके हुक्म के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो हम क्या कर सकते हैं। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। तो संगत जी, और एक बात आपको मैं और बताती हूँ, इतना गुरु जी की कृपा से आज सुरेश अंकल ने मुझे इतना प्यारा नाम दिया है, ब्लेसिंग्स आंटी। और एक मेरी संगत है, बहुत प्यारी है फेथ आंटी, उन्होंने मेरे को लव आंटी का नाम दिया था। तो ये गुरु जी महाराज हैं, ये समझ लीजिए ये नेम नहीं है, ये मेरे लिए ट्रॉफीज है जो गुरु जी दे रहे हैं। या गुरु जी मुझे बता रहे हैं कि ले बेटा, मैंने अब तुझे अपने स्कूल में एक क्लास प्रमोट कर दिया। तो ये ब्लेसिंग्स हैं असली। हम कहते हैं ना कि ब्लेसिंग्स चाहिए, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, गुरु जी कब मिलेंगे, गुरु जी कैसे मिलेंगे।
तो ऐसे गुरु जी ब्लेसिंग देते हैं और सही मायनों में ये ब्लेसिंग्स है, ये गुरु जी का प्यार है। तो हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए, हमारे भाव ऐसे होने चाहिए कि समझो तो भगवान और ना समझो तो पत्थर। एक पत्थर की मूर्ति को जब हम घर में लेके आते हैं तो कितना हमें फेथ होता है, कितना प्यार हो जाता है उस भगवान से कि दिन रात हमें ऐसा लगता है कि हम कितने बेफिक्र हो जाते हैं कि अब भगवान हमारे पास आ गए। तो ऐसे ही तो गुरु महाराज है। गुरु जी कहते थे कि मेरे स्वरूप नाल गल्ला किया करो, मैं उसमें ही बसता। और सच मानिए संगत जी, जब आप गुरु जी के पास बैठेंगे, गुरु जी से बातें करेंगे, तो आप किसी भी डायरेक्शन में बैठ जाइए, ऐसा लगेगा गुरु जी आप ही को ही देख रहे हैं। लेकिन आपके भाव जैसे होंगे वैसे ही आपको दर्शन होंगे। संगत कहती है कि हमें गुरुजी दर्शन नहीं देते। कैसे नहीं देते, मुझे तो हो रहे हैं, मेरे तो भाव में ऐसे हैं कि मुझे लगता है कि दिन रात गुरुजी मुझे ही देखते हैं, खुद से महसूस हो जाता है। अगर कोई अच्छा काम किया है तो मुझे लगता है गुरुजी आज बहुत खुश हो रहे हैं, और कभी अगर कुछ गलती हो जाती है तो मुझे लगता है जैसे गुरुजी आज नाराज। लेकिन नाराज नहीं होते, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होते। गुरु जी कहते हैं कि 90% मैं आपके कर्म अपने ऊपर लेता हूँ, 10% आपको भुगतने पड़ते हैं। तो ये माता पिता का प्यार ही तो है, गुरु जी हमारे माँ बाप ही तो हैं, कि हमारे जितने भी बुरे कर्म है वो गुरु जी अपने ऊपर ले लेते हैं। तो सोचे संगत जी, अगर हमें 100% अपने ऊपर ही भुगतना होता तो क्या हाल होता हमारा, क्योंकि 10% भुगतने में ही हमारी बैंड बच जाती है। लेकिन गुरु महाराज अपने बच्चों को परेशान नहीं होने देते। बस गुरु जी को क्या चाहिए, आपका प्यार, आपका सरेंडर, आपका फेथ। डायरेक्ट कनेक्शन गुरु जी से बनाइए संगत जी, तो आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा, कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। गुरु जी ऐसी आपकी बुद्धि कर देंगे, ऐसे आपके भाव कर देंगे, बस एक दफा अपने दिल में बसा लीजिए अपने प्रभु को, क्योंकि भगवान सबसे ज्यादा आपके दिल में रह के ही खुश होते हैं। सबसे ज्यादा भगवान को क्या अच्छा लगता है, आपका हृदय, क्योंकि एक हृदय ही भगवान ने ऐसा बनाया है जो बहुत कोमल होता है, बहुत सरल होता है। ये छल कपट बुराइयां जलन ईर्ष्या मोह लोभ ये सब हमारी बुद्धि करती है, तो इसलिए गुरु जी के आगे कभी अपनी बुद्धि मत चलाओ। जो है अपने दिल से, अपने हृदय से अगर आप करोगे तो आपको बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि महाराज की महिमा ऐसी है। महाराज इतने भोलेनाथ हैं, इतने दयालु हैं कि वो आपकी आंखों से आंसू, जिंदगी से दर्द, चेहरे से परेशानी, दिल से मायूसी, हाथों की लकीरों से मौत तक चुरा लेते हैं। क्या क्या नहीं बचते, सब कुछ तो दे देते हैं महाराज, और क्या चाहिए आपको। तो रब को रब से मांगिए, क्योंकि जिसके पास है रब उसके पास है सब। हम मंदिरों में जाते हैं, दुनिया भर की चीजें मांगते हैं, गुरुजी मुझे कार दे दो, गुरुजी मुझे बंगला घर बना दो, गुरुजी मेरे पास नौकरी नहीं है, गुरुजी मेरी बेटी की शादी करा दो। क्यों? क्योंकि हम इस मायावी गृहस्थ में, मायावी जाल में फंसे हुए। लेकिन क्या हम गुरुजी को गुरुजी से मांगते हैं? नहीं मांगते, क्योंकि हम पापी जीव हैं, हम मोह माया में ग्रस्त में इतने फंसे हुए हैं कि हमें इन चीजों के अलावा और कुछ दिखाई देता ही नहीं। लेकिन तीन रास्ते हैं खुश रहने के। नंबर वन, शुक्राना, ग्रैटिट्यूड, हर चीज का शुक्राना कीजिए, जो मिला उसका भी शुक्राना, जो नहीं मिला उसका भी शुक्राना। हमेशा मुस्कुराते रहिए। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई रोग है, कोई मुश्किल है, तो ये मत कहो उसे कि आपकी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों को बोलो कि मेरे भगवान, मेरे गुरुजी बड़े हैं।
और कभी भी किसी का दिल मत दुखाए। अगर आपने ये तीन चीजें सीख ली तो जिंदगी में आप कभी भी उदास नहीं हो सकते। संगत जैसे बोलती है आजकल डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन, तो ये तो क्या डिप्रेशन, कुछ नहीं है डिप्रेशन। अगर आप गुरुजी की शरण में है, अगर गुरुजी ने आपको अपनी शरण में लिया है तो उसकी वैल्यू समझिए, उसकी कद्र समझिए। सत्संग भी हर किसी के नसीब में नहीं होता है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं जो संगत सत्संग से जुड़ती हैं, क्योंकि गुरुजी उनमें ब्लेसिंग्स की डोजेस देते हैं, आपके कोई कष्ट दूर करते हैं, आपके बुरे कर्मों को खत्म करते हैं। क्योंकि सत्संग आपको सिर्फ दो चीजें देता है, या तो आपको यश देता है या आपको भक्ति का रस देता है। अब आपके ऊपर है कि आपने क्या लेना है। भक्ति, अगर आपने यश लेना है तो आप दुनिया की माया में खो जाओगे, और अगर आप भक्ति का रस लोगे तो आप अपने भगवान के चरणों में सरेंडर हो जाओगे, समर्पित हो जाओगे। तो क्या चीज अच्छी है, यश या भक्ति का रस, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि भगवान के पास तो समुंदर है प्यार लुटाने के लिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने भगवान का प्यार कितना लेना है। भगवान तो बाएं खोले खड़े, तो ऐसे जाना है और गले लगना है प्रभु से उनका प्यार पाने के लिए। तो भगवान का, अगर गुरु जी का प्यार पाना है ना, एक छोटे बच्चे बन जाओ, मासूम, कि उसको पता होता है कि मेरे माता पिता हैं, तो उसको किसी चीज का डर नहीं होता, लिपट जाता है अपने प्रभु से, सुनने देखने के लिए, अपने प्यार पाने के लिए। और जब वो प्यार लेता है, कैसे, पहले वो प्यार देता है। तो अगर आपने किसी से प्यार पाना है तो आपको पहले प्यार देना पड़े। और गुरुजी हमें क्या सिखाते हैं, सिर्फ नीवापन, शुक्राना, ग्रेटिट्यूड और सबसे प्यार कीजिए, क्योंकि गुरुजी आप सबसे बहुत प्यार करते हैं। आपके इतने बुरे कर्मों को अपने ऊपर ले लेते हैं, आपके कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं, तो इससे बड़ा प्यार क्या होगा। जो चीज आप मांगते हैं वही दे देते हैं, फिर भी गुरुजी कहते हैं मंगो नहीं मन्नो। जब मेरे हस्बैंड को संगत जी ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ, तो आई वाज लाइक कि जैसे जिंदगी से सब कुछ खत्म हो गया। मैं, गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया, क्योंकि गुरुजी ने अपनी शरण में मेरे को ले लिया था। और जब मैं गुरुजी के पास जाती थी तो सिर्फ गुरुजी को मैं कभी नहीं मांगती थी कि गुरुजी मेरे हस्बैंड को ठीक कर दो। मैं जाती थी गुरुजी के पास, मैं गुरुजी को यही बोलती थी कि मालिक आप हो, मुझे यकीन है कि आपके होते हुए इनको कुछ नहीं होगा। और संगत जी यकीन मानिए, मेरे अंकल जो कहीं पे लंगर प्रसाद नहीं लेते, इतना बंगला साहब की सेवा करने के बाद भी वो वहां का भी लंगर प्रसाद नहीं लेते थे। गुरुजी उनको बुलाते थे, गुरुजी अपनी दवाई देते थे, उनको अपनी मेडिसिन देते थे लंगर प्रसाद। संगत जी, लंगर प्रसाद गुरु जी का इज द वर्ल्ड्स बेस्ट मेडिसिन, क्योंकि गुरु जी हमारे डॉक्टरों के भी डॉक्टर हैं। और जो गुरु जी का लंगर प्रसाद है, उससे बढ़िया कोई मेडिसिन नहीं है, चाहे आप जितनी मर्जी महंगी से महंगी दवाइयां खा लीजिए। तो गुरु जी मेरे अंकल को बुलाते थे, लंगर प्रसाद करवाते थे। और यकीन मानिए संगत जी, जब तीसरा MRI हुआ तो जो वहां पे डॉक्टर बैठे थे उन्होंने मेरे को अंदर बुलाया। अब मैं डर गई, मैं कहा क्यों बुलाया, तो टेंशन तो हो जाती थी। तो जब भी अंकल का MRI होता था तो मैं गुरुजी का पॉकेट स्वरूप अंकल के साथ अंदर भेजते थे, क्योंकि वहां MRI रूम में आपका सब कुछ उतरवा देते हैं, यू आर नॉट अलाउड टू वियर एनीथिंग, नो बेल्ट, नो पर्स, नथिंग, बस वो एक ड्रेस देते थे अपनी, बस वो एक ड्रेस पहनते थे। लेकिन देखिए, मैं गुरु महाराज को बोलती थी, गुरु महाराज आप साथ जाइए, क्योंकि आपने MRI करना है, आप है डॉक्टर।
वो सब चीजें उतरवा देते, वापस वो करवा देते थे, लेकिन गुरु महाराज के पौके स्वरूप को कोई मना नहीं कर ही नहीं सकता था। गुरु महाराज को कैसे कोई मना कर देगा। तो थर्ड जब एमआरआई हुआ तो उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, तो मैं डरते डरते अंदर गई। उन्होंने मेरे से कहा कि ये आंटी, आपके जो ये डॉक्टर है, न्यूरोसर्जन है, ये बहुत अच्छे हैं। तो मैंने कहा उनसे, डॉक्टर साहब से पूछा, मैं कहा डॉक्टर साहब क्यों आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो वो बोले, आंटी मैंने ये अपने करियर का फर्स्ट केस देखा है कि जो ये ब्रेन ट्यूमर है, थर्ड मंथ में ही 70% रिड्यूस हो गए। संगत जी आप मानेंगे नहीं, ये सुन के मतलब आई वॉज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मुझे ऐसा लगा कि बस बस किसी तरीके से मैं जल्दी से यहाँ से निकलूं और मैं जाऊं गुरु जी के पास। मैंने कहा अंकल, मैंने उन डॉक्टर अंकल को बोला, मैंने कहा अंकल जी डॉक्टर वो नहीं, गुरु जी का मैंने पॉकेट स्वरूप निकाला और मैंने कहा डॉक्टर तो मेरे ये हैं और ये वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर हैं, कहीं नहीं मिलेंगे आपको, इन्होंने ठीक किया है मेरे अंकल को। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जब मैं गुरुजी का शुक्राना करने गई तो यकीन मानिए संगत जी, इतनी फ्रेग्रेंस रोजेस की, इतनी फ्रेग्रेंस, क्योंकि जब जब गुरुजी बुलाते थे मेरे अंकल को लंका प्रसाद करने के लिए, तब वहां पे बहुत फ्रेग्रेंस आते थे। और एक सेवादार अंकल पता नहीं कहाँ से आ जाते थे और मेरे अंकल के पास खड़े हो जाते थे और बोलते थे, अंकल जी आपके जो अंदर कुछ चल रहा है ना, खा लो, गुरुजी आपको बिल्कुल ठीक कर दें। तो अनंतम शुक्राना, आज मेरे अंकल बिल्कुल ठीक है। गुरुजी ने जो मेरे डॉक्टर हैं, उन्होंने, गुरुजी ने अपनी लंगर प्रसाद, अपनी जो मेडिसन है, प्रेशियस मेडिसन, वो खिला के मेरे अंकल को ठीक किया। तो गुरु जी का अनंतम शुक्राना। इसलिए संगत जी, गुरु जी कहते हैं मन को नहीं मनो। गुरु जी सब जानते हैं कि किसको, बच्चे को क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है, किस बच्चे को क्या चाहिए, लेकिन हम अपनी बुद्धि चलाते हैं, हम ये सोचते हैं कि गुरु जी को कुछ पता ही नहीं, गुरु जी मेरी सुन ही नहीं रहे। जब आप अपने वोटों से नहीं, अपने कंठ से नहीं, जिस दिन आपने अपने हृदय से सुना दिया ना, उस दिन गुरुजी सारी बातें सुनेंगे संगत जी, और आपको रिप्लाई भी करेंगे, क्योंकि गुरुजी रिप्लाई करते हैं। अब वो गुरुजी की महिमा है कि वो कैसे रिप्लाई करते हैं, अपनी बुद्धि मत चलाया कीजिए। चाहे वो आपको टेलीपैथी से रिप्लाई करे, चाहे वो आपको किसी मैसेज के द्वारा रिप्लाई करे, या वो आपको किसी संगत के द्वारा ही रिप्लाई करे, लेकिन गुरु जी की महिमा को हम कभी नहीं समझ सकते, ना उनकी महिमा को हम बखान कर सकते हैं। याद रखिए संगत जी, दो चीजें बहुत अहम होती हैं। एक गुरु का दर, दर मीन्स चौखट, क्योंकि वहां रहमतें बरसती हैं, और जिसने उनकी रहमतों को पा लिया तो फिर उसके बल्ले ही बल्ले है, वो भक्त सागर से पार हो जाता है। और एक गुरु का डर, अगर आपके दिल में गुरु का डर होगा, गुरु जी के लिए ग्रेटिट्यूड होगा, गुरु जी से प्यार होगा, तो कभी आप गुनाह नहीं करोगे, कभी किसी का दिल नहीं दुखाओगे, कभी किसी का बुरा नहीं सोचोगे, गुरु जी इतना चेंज कर देंगे आप। तो ये दो चीजें अपनी जिंदगी में धारण कर लीजिए तो समझ लीजिए आपका सरेंडर हो गया। और सरेंडर किस चीज का करना है, सबसे पहले अपनी ईगो का सरेंडर कीजिए, अपने अहंकार का सरेंडर कीजिए, क्योंकि सब कहते हैं मैंने किया, मैं गई, मैं गया, मैं लाई, मैं क्या होता है, वो तो बकरी मैं करती है, इंसान नहीं करते। ये कहना चाहिए मालिक सब कुछ तेरा ही तेरा। जिस दिन आपने ये कह दिया ना कि सब कुछ तेरा ही तेरा, मैं भी तेरी, तो वो अपने आप आपके हो जाएंगे। कौन कहता है भगवान आते नहीं, मीरा की तरह तुम बुलाते नहीं। तो वो मीरा जैसा प्यार रखो जो 24 घंटे शाम 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 करती थी, और उसने जहर को भी प्रसाद समझ के पी लिया।
तो उसे क्या कुछ हुआ? इसीलिए मीरा का नाम जाना जाता है जब भक्ति का प्यार का रस गाया जाता है। हनुमान जी का नाम गाया जाता है जब भक्ति का नाम आता है। हनुमान जी जैसा भक्त कोई नहीं। क्या भगवान राम सारे काम कुछ अपने आप नहीं कर सकते थे क्या? लेकिन उन्होंने सब कुछ हनुमान जी से कराया क्योंकि भगवान को भक्त ज्यादा प्यारा है। सब कुछ भगवान कंट्रोल करते हैं, लेकिन भगवान किसके कंट्रोल में होते हैं? सिर्फ अपने भगत के प्यार। भगत का प्यार भगवान को कंट्रोल करता है, अदरवाइज आप नहीं पा सकते। हनुमान जी ने क्या किया था? सिर्फ एक राम का नाम ही तो लिखा था ना पत्थर, तो कोई डूबा ही नहीं कोई पत्थर। तो एक दफा रावण ने भी ऐसे ही किया, जब उसने सुना ना कि हनुमान जी ने राम जी का नाम लिख के पत्थर फेंका है और कोई पत्थर डूबा नहीं। अब लंका में ये बात फैली क्योंकि रावण तो अपने आप को बहुत पंडित ध्यानी और शक्तिशाली ऐसे अपनी प्रजा को बताते थे। वो थे भी बहुत पंडित ज्ञानी थे रावण। अब वहां पे प्रजा में जब ये बात होने लगी तो रावण ने कहा कि यहाँ तो हर कोई राम जी की तारीफ कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, तो ऐसा होगा तो कोई मेरी तारीफ ही नहीं करेगा और प्रजा का विश्वास मेरे ऊपर से उठ जाएगा। तो रावण ने अपनी प्रजा को बुलाया और उन्होंने कहा कि इसमें क्या बड़ी बात है, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप आ जाओ समुद्र के किनारे इकट्ठा हो जाओ तो मैं भी आपको करके दिखाऊं। अब उन्होंने पत्थर पे नाम लिखा और जो है पत्थर डाल दिया, पत्थर डूबा ही नहीं। पत्थर पे उन्होंने रावण का नाम लिखा, पत्थर डाला और पत्थर डूबा नहीं। प्रजा खुश हो गई कि बाबा हमारे राजा तो बहुत शक्तिशाली है, हम तो राम जी की तारीफ प्रशंसा कर रहे थे, हम तो राम जी को बहुत बड़ा समझ रहे थे। अब जब महल में रावण वापस जाते हैं तो मंदोदरी जी उनसे बात करती हैं। वो अपने उनको रावण को कहती हैं कि प्रभु आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आप इतने बड़े नहीं हैं कि जो आप राम जी का मुकाबला कर पाए, लेकिन बस मुझे इतना बता दीजिए आपने ऐसा क्या किया जो आपका पत्थर नहीं डूबा। तो रावण ने ये जवाब दिया मंदोदरी को कि हाँ मंदोदरी आप सही कह रही हो, मैं इतना शक्तिशाली नहीं जितने राम प्रभु हैं। मैंने क्या करा, रावण का नाम लिख के पत्थर तो डाला लेकिन साथ में उस पत्थर को बोला कि हे पत्थर आपको राम जी की कसम है आप डूबना मत। तो इसीलिए पत्थर नहीं डूबा। तो देखिए राम नाम में कितनी शक्ति है कि जो रावण राम जी को नहीं मानते थे उन्होंने भी राम जी का नाम लेके ही पत्थर को डाला और पत्थर नहीं डूबा। तो भगवान की भक्ति में भगवान के प्यार में इतनी शक्ति है कि वो आपको फर्श से उठा के अर्श पे बिठा देते हैं, आपको इतना बदल देते हैं, आपको इतना चेंज कर देते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपने विचार अपने भाव बदलने पड़ेंगे। हम अपना तन तो धोते हैं लेकिन अपना मन अपना हृदय उसको भी साफ करना पड़ेगा। वो कैसे? जब तक आप अच्छे विचार अच्छे भाव नहीं लाओगे तो भगवान आपके हृदय में वास नहीं करेंगे। और अच्छे भाव कैसे लाने हैं? ये जितने भी जो बुराइयां हैं ईर्ष्या निंदा लोभ मोह ये सब आपको निकाल के बाहर फेंकनी पड़ेगी। ये सब कचरा है हृदय का, आपकी आत्मा का, जो आपकी आत्मा को साफ नहीं होने देता। और गुरुजी क्या करते हैं, जब गुरुजी आपको अपनी शरण में लेते हैं तो वो सबसे पहले आपकी सोल को प्योरिफाई करते हैं। गुरुजी बोलते हैं कि जब आप मेरे पास आते हो तो आप मेरे लिए एक माचिस की तिल्ली हो और जो वो जो काला मसाला लगा है वो आपकी सोल है। तो सबसे पहले मैं आपकी सोल को देखता हूँ, आपके अगले पिछले जन्म का पूरा स्कैन कर लेता हूँ कि आपके कर्म क्या है। तो सबसे पहले मैं आपकी आत्मा को प्योरिफाई करता हूँ, बॉडी तो अपने आप हो जाती है।
लेकिन हम गुरुजी के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं, गुरुजी नौकरी दे दो, गुरुजी बेटा दे दो, गुरुजी बेटे की शादी करा दो, गुरुजी ये सब कर दो। तो आत्मा कैसे प्योरीफाई होगी? हम गुरुजी, हम इतने ब्लेस्ड हैं संगत जी, अगर गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया है तो इससे बढ़कर कोई ब्लेसिंग हो ही नहीं सकती। हम वो हीरा है जो गुरुजी ने खुद चुना हमको और एक माला में पिरोया है। लेकिन इस हीरे को भी आप देखिए, जब भी आप कोई हीरा लेते हैं या पहनते हैं, उसको पहले तराशा जाता है। और तराशा कैसे जाता है? तो जैसे आप, गुरुजी ने आपको चुना है तो गुरुजी आपको भी तराशते हैं। गुरुजी कहते हैं मैं पहले नींबू की तरह निचोड़ देता हूँ, दाल को हिला देता हूँ, जो पत्ते दाल हिलाने के बाद भी नहीं गिरते, टिके रहते हैं, तो वही असली संगत है, बाकी तो सब भीड़ है। तो हम जो हीरे हैं गुरुजी के, हमारे ऊपर क्रोध की, लोभ की, उदासी की, निंदा की, बुराइयों की इतनी परतें चढ़ी हुई हैं जिससे हमारे चमक ही नहीं दिखाई देती। नहीं तो भगवान ने तो इंसान को बहुत अच्छा, बहुत प्यारा बनाया है। गुरुजी कहते हैं मरने के बाद तो जानवरों की चमड़ी भी काम आ जाती है, इंसान तो कभी किसी के काम ही नहीं आता। तो इसका मतलब देखिए कि पशु भी हमारे से कितने ऊपर हो गए, और हम इंसान क्या करते हैं, एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे का बुरा सोचते रहते हैं। ये सोचते हैं हाय ये इतना खुश क्यों है, हाय इसके पास ये चीज क्यों आ गई, इसको ऐसा क्यों मिल गई। नहीं, सबकी खुशी में खुश रहिए, सबके सुख से और सुखी हो जाइए, शुक्राना करिए भगवान के अलावा कि प्रभु आपने जैसे सुख उसको दिए सबको सुख दीजिए, प्रभु आपने जैसे उसके दुख दूर किए आप सबके दुख दूर कीजिए। ऐसे अगर आप भाव रखेंगे तो यकीन मानिए संगत जी, उस सब में आप खुद आ जाएंगे और आपका भला गुरु जी अपने बिन मांगे ही कर देंगे। तो इसलिए मंगो नहीं मनो। गुरु जी रब, एक बार बताती हूँ, जो भगवान है वो आपके लेख लिख के आपको नीचे भेज देते हैं, लेकिन गुरु आपके जो उल्टे लेख है ना, जो आपके पुठे लेख है, उसको सीधा कर सकते हैं, वो कर देते हैं जो हमारे गुरु महाराज हैं। गुरु महाराज ने तो इतनी ऐसे ऐसे मिराकल्स किए हैं, जिनके पास यूट्रस नहीं था उनको बच्चा दे दिया, जिनकी कुंडलियों में लाइफ नहीं थी उनको नई जिंदगी दे दी, मेरे अंकल को गुरुजी ने लाइफ दी, मुझे लाइफ दी गुरुजी ने। तो मैं कैसे गुरुजी की महिमा का बखान करूं, इस जीवा में इतना दम ही नहीं, सिर्फ शुक्राना के अलावा कुछ निकल ही नहीं पाता। संगत जी मेरा बर्थडे था उस दिन, और मेरे को कॉल्स आ रहे थे मेरे विश करने के लिए, और मैं उस समय खाना अपना खाना बैठी, तो उस दिन जो है मैंने मटरा कुलचा बनाया था। चांस की बात है कोई एक मटरा इतना टाइट था कि वो नहीं गला, और जैसे ही मैंने उसको मुंह में डाला तो एक मेरे किसी रिलेटिव का कॉल आया मुझे विश करने के लिए। तो मैंने जैसे ही बोला वो, मैं उसको चबा नहीं पाई और वो मेरे यहाँ पे फंस गया यहाँ, और संगत जी मैं उसको स्वेलो नहीं कर पाई। मैंने बहुत कोशिश करी, मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकली, मैंने पानी पीने की कोशिश करी, पानी तक अंदर नहीं गया। मेरे बच्चों ने मेरे यहाँ पे पैट किया, थपथपाया, सब कुछ करा कि कुछ हो जाए, मुझे उछाला जैसे ट्रिक्स दिखाते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। कोरोना का टाइम चल रहा था, मेरे को फिर डॉक्टर के लेके भागे, लेकिन किसी नर्सिंग होम ने मेरे को अंदर आना अलाउड नहीं करा कोरोना के डर के मारे, क्योंकि कोई ENT डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं था। उसके बाद मैं जो मेरा सलाइवा था, क्योंकि मैं अंदर स्वेलो कुछ भी नहीं करे जाती, मेरा सलाइवा बाहर निकले जा रहा था। अब मेरे को एक बड़े हॉस्पिटल में लेके गए, वहां पे मेरे को इमरजेंसी में मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वहां मेरा सलाइवा निकले जा रहा है, मेरा सांस लेने में मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। ENT का डॉक्टर आता है, मेरे को देखता है और कहता है कि जी मैं तो 2 घंटे बाद आऊंगा और इनको OT लेके जाएंगे और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट होगा। मेरे अंकल ने उस डॉक्टर के ऐसे हाथ जोड़े, उन्होंने कहा, मेरे अंकल ने कहा, डॉक्टर साहब आज इसका बर्थडे है,
अगर आप 2 घंटे बाद आ जाएंगे ये मर जाएगी, प्लीज आप कुछ कीजिए। लेकिन वो नहीं माने और वो चले गए। और उसके बाद मेरा बेटा गुरुजी का स्वरूप लेके मेरे पास आया, उन्हें कहा मम्मी ये गुरुजी को लो, अब गुरुजी आ गए, अब कुछ नहीं होगा। संगत जी आप ये देखिए कि उसी टाइम अभी आधा घंटा बीता होगा कि मेरे अंकल ने उन डॉक्टर को फिर कॉल किया कि संगत जी कि डॉक्टर साहब वो बहुत तड़प रही है, प्लीज आप आ जाइए। गुरु जी ने ऐसी उनकी बुद्धि करी कि वो डॉक्टर वापस हॉस्पिटल आए, मुझे ओटी ले जाया गया। एक बस 2 मिनट के अंदर मैंने गुरु जी को अपने पास यहाँ रख लिया था और मुझे अब ये हो गया था कि बस गुरु जी आ गए, अब तो कुछ नहीं होना, अब नहीं मरती मैं। बस उन्होंने वो सक्शन पाइप मेरे अंदर डाली और विद इन 2 सेकेंड्स वो मटरा अंदर चले गए। वहां पे मेरे को डॉक्टर ये कहते हैं कि आज तो कमाल हो गया, पता नहीं तो मैं तो 2 घंटे बाद ही आता चाहे कुछ हो जाए। लेकिन कुछ ऐसी फोर्स थी कि जिसने मेरे को मजबूर किया कि मैं वापस जाऊं और आपका ट्रीटमेंट करूं। तो मैंने उनको गुरुजी की फोटो दिखाई, मैंने कहा ये हैं सर आपके भी बड़े डॉक्टर, तो अगर ये कहेंगे तो आप कैसे नहीं आते। तो उस दिन गुरुजी ने मुझे बर्थडे वाले दिन न्यू लाइफ दी संगत जी। अगर वो चाहते तो वो जो 2 घंटे जो मैं इतनी देर में तड़प रही थी, मेरे हो सकता था कि मेरी डेथ हो जाती, लेकिन गुरुजी ने मुझे मरने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो मेरे कोई कर्म कटवा रहे थे, तो मेरी रक्षा करी गुरुजी ने, मेरे को नई लाइफ दी। तो इसलिए कहते हैं संगत जी अपना फेथ अपना सरेंडर कर दीजिए उनके चरणों में, तो गुरुजी सब कुछ संभाल लेंगे। क्योंकि गुरुजी कहते हैं 2 चीजें होती हैं, या तो चिंता को रख लो या चिंतन कर लो। अगर आप चिंता करोगे तो फिर मैं कुछ नहीं करूंगा, और आप चिंतन करोगे चिंता मुझे दे दोगे तो आप हल्के हो जाओगे। फिर गुरुजी की जिम्मेदारी हो जाती है ये देखना कि आपको कोई कष्ट ही ना मिले। आपके कर्म अगर आपके पास कोई दुख आएगा भी तो ऐसे छूके चला जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि गृहस्थ बहुत जरूरी है, हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स काउंट किया कीजिए। गुरुजी कहते हैं आप जितनी अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करेंगे उतना आपका फेथ बढ़ेगा, और अगर आप स्ट्रगल्स अपनी काउंट करेंगे तो आप अपने पास को जितना याद करेंगे ना तो उतना आप नेगेटिव होते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि ये अगर 10 चीजों में से अगर आपको 2 चीजें मिली तो उसका शुक्राना कीजिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए गुरुजी को, तो आपको गुरुजी से जितना आप शुक्राना करेंगे जितना आप ग्रैटिट्यूड देंगे उतना आपका प्यार बढ़ेगा। आप खुद एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पे मैक्सिमम संगत पेरेंट्स है। आप हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा करना चाहता है, वो देता है अपने बच्चे को अच्छा। आपका बच्चा जरा सा कह देता है ना थैंक यू पापा थैंक यू मम्मा ऐसे बोलता है ना, आप कितने खुश हो जाते हैं। आप कहते हैं कि मैं नेक्स्ट टाइम अपने बच्चे के लिए ये भी ला के दूंगा। तो बस यही तो करना है हमें अपने गुरु जी के साथ कि गुरुजी जो आपने दिया सब चीज का शुक्राना, जो नहीं दिया उस चीज का शुक्राना, क्योंकि आपके पास अगर गुरुजी हैं तो संगत जी आपके पास सब कुछ है। तो हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए, और सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या होती है? गुरुजी का होना। संगत कहती है कि हमें तो गुरुजी ने ये नहीं किया, हमारे साथ तो गुरुजी ने ये नहीं करा, हमें तो गुरुजी दिखते नहीं है। नहीं, इसका मतलब आपके भाव ही नहीं है। हो सकता है कि जो बहुत बड़ा कष्ट आने वाला हो आपका थोड़े में से ही निकल गया हो। एक दफा जैसे कि सब जानते हैं कि गुरुजी ने ब्लेसिंग सेवा बख्शी हुई है, तो कोरोना के टाइम पे भी गुरुजी ने इतनी दया करी अपनी संगत के ऊपर कि गुरुजी ने कहा कि अगर बच्चे मेरे पास बड़े मंदिर नहीं आ पा रहे हैं तो मैं खुद घर घर जाऊंगा अपने बच्चों के पास। तो जब कोरियर के थ्रू मैं ब्लेसिंग्स भेजती थी तो वो कोरियर वाला भी हैरान होता था कि क्योंकि पूरा सिवियर लॉकडाउन था और कहीं भी आपको आने जाने की अलाउड नहीं था, लेकिन उस कोरियर वाले को कोई नहीं रोकता था।
तो एक आंटी है, उनके पास जो है कोरियर गया, तो उनको जो है 200 रुपीज देने थे। अब आंटी के मन में थोड़ा सा आया, वो आंटी ने मेरे को ये बात बाद में बताई, तो कहती है मन्ना आंटी मेरे मन में थोड़ा सा आया कि हाय सारे काम वाम तो बंद है और ये 200 रुपए देने पड़ेंगे। कहती है कि मैं उस दिन मेरे को डॉक्टर की मेरी अपॉइंटमेंट थी, मैं अपने अंकल के साथ डॉक्टर के से होके आई, तो मेरे अंकल ने देखा नहीं और मेरे अंकल जो है वो रेड लाइट क्रॉस कर गए। कहती है उसी समय जो पुलिस ने रोक लिया और उन्होंने 2000 का चालान काट दिया। कहती अब मेरे अंकल ने कहा कि ये तो और मुश्किल हो गई, 2000 की चपत लग गई। कहती मैंने मन में ऐसे कहा, मैंने कहा गुरुजी प्लीज सॉरी, अगर कोई गलती हुई है तो बचा लीजिए, आप ही हो, आप देख। कहती आंटी जैसी मैंने ये बात बोली वो पुलिस वाले आए, उन्होंने कहा अंकल आपका 2000 रहने दो, आप बस खाली 200 रुपए दे दो। कहती है मैंने उसी समय कहा कि मैं अभी मन में ये सोच रही थी सुबह की, हाय 200 रुपए मतलब मेरे को भारी लग रहे थे देने के लिए, तो मैंने कहा कहां 2000, और गुरुजी कहते हैं कि मैं सिर्फ 10% में कटवा देता हूँ। तो वो कहती है कि 10% 2000 का 10% 200। तो कहती है गुरुजी ने उस, मैंने भूल चूक अपनी मांगी गुरुजी से कि गुरुजी मैं कभी आगे से ऐसे नहीं बोलूंगी, और कहते हैं कि जैसे मैंने ये कहा तो मेरा वो 200 का चलान भी उन्होंने, पुलिस इंस्पेक्टर ने माफ कर दिया कि अच्छा कोई बात नहीं रहने दो तुम जाओ। तो गुरुजी सब सुनते हैं संगत जी, गुरुजी सब करते हैं, बस फेथ श्रद्धा और सबूरी, क्योंकि गुरुजी बहुत टेस्ट लेते हैं और उस टेस्ट में कैसे पास होना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम स्कूल में कॉलेजेस में इतनी मेहनत करते हैं पास होते हैं ना, टेस्ट पास करते हैं ना कि हमें नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होना है, ऐसे ही गुरुजी टेस्ट लेते हैं और गुरुजी का प्यार पाने के लिए, गुरुजी की भक्ति पाने के लिए हमें पास होना पड़ेगा। कोई काम नहीं आएगा, सिर्फ एक भगवान एक गुरु ही काम आते हैं। आप कहीं भी भटक लीजिए, आप सारी दुनिया देख लीजिए, एंड वक्त पे कोई काम नहीं आएगा। गुरु जी कहते हैं कि कर्म अपने अच्छे रखो, क्योंकि ये जो सारा खेल है ये कर्मों पे टिका हुआ है और कर्म आपका आपको ढूंढ ही लेगा। हो सकता है कि आपने इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए, लेकिन हो सकता है कि कोई पिछले जन्म का ऐसा कर्म है कि जो आपका उस टाइम नहीं चुकता हुआ वो अब आपको चुकाना पड़ेगा। लेकिन अच्छा कर्म है या बुरा कर्म, संगत जी कर्म आपको ढूंढ ही लेगा। इस सब कर्म का खेल होता है। सीता के रखवाले राम थे, लेकिन जब उनका अपहरण हुआ तब कोई नहीं था। द्रौपदी के 5 पांडव थे, लेकिन जब उनका चीरहरण हुआ तब कोई नहीं था। दशरथ के 4 पुत्र थे, लेकिन जब दशरथ ने प्राण त्यागे कोई पुत्र उनके पास नहीं था। रावण कितना शक्तिशाली था, लेकिन जब उसकी लंका जली तब कोई कुछ नहीं कर पाया। तो अपने कर्म खुद भुगतने पड़ते हैं, कोई नहीं आएगा आपके कर्म भुगतने के लिए। तो कोशिश ये कीजिए कि इस जन्म में ही आपके सारे कर्म भुगत जाएं, और ऐसे कर्म कीजिए कि अगले पिछले जन्म की आपकी जो चक्कर है वो सब खत्म हो जाए। क्योंकि सत्संग ही ऐसा है कि आप कितने भी तप कर लो, आप कितने भी पाठ कर लो, आप कितने भी हवन वगैरह कर लो, लेकिन अगर सत्संग की आधी घड़ी भी आपने उसमें बिताई है ना, तो वो 1000 वर्षों के तप से भी बढ़कर है। क्योंकि सत्संग की आधी घड़ी तप के वर्ष 1000 तो भी नहीं बराबरी संतन किए विचार। एक दफा क्या होता है कि दो गुरु, जैसे सब जानते होंगे, एक विश्वामित्र जी और गुरु वशिष्ठ जी, इनके आपस में बहस हो जाती है और वो कहते हैं, विश्वामित्र जी कहते हैं कि तप बड़ा है और गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि सत्संग बड़ा होता है।
अब वो कहते हैं कि चलो ब्रह्म लोक चलते हैं और वहां ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि कौन सही है। अब वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं तो इस बात का जवाब नहीं दे पाऊंगा, आप विष्णु जी के पास जाइए। अब विष्णु जी के पास दोनों जाते हैं, विष्णु जी कहते हैं अगर मैं सत्संग बड़ा बोलूंगा तो ये नाराज हो जाएंगे, तब को बड़ा बोलूंगा तो वो नाराज हो जाएंगे। तो विष्णु भगवान भी उन दोनों को शंकर भगवान के पास भेज देते। अब जब दोनों गुरु शंकर भगवान के पास जाते हैं तो शंकर भगवान कहते हैं आपका उत्तर तो केवल शेषनाग जी दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। अब दोनों जाते हैं शेषनाग जी के पास, तो सबको पता है शेषनाग जी के ने ऊपर अपने धरती को धारण किया हुआ है और धरती उनके घूम रही है उनके ऊपर। तो शेषनाग जी कहते हैं कि भाई मेरे ऊपर जो है धरती का भार है और पहले इसको अपने ऊपर लो तभी मैं आपका जवाब दे पाऊंगा। अब विश्वामित्र जी कहते हैं जी ठीक है, क्योंकि उनके अंदर तप का इतना अहंकार था वो धरती को अपने ऊपर ले लेते, लेकिन धरती का भार ही नहीं सहन कर पाते और धरती नीचे जो है नीचे की तरफ जाने लगती है। तो विश्वामित्र जी उनको ये बोलते हैं कि मैंने अपने जीवन भर का तप आपको दिया लेकिन पृथ्वी जी आप रुक जाओ। वो बड़े अहंकार में बोलते हैं लेकिन पृथ्वी माता नहीं रुकती। अब वशिष्ठ जी बोलते हैं कि पहले तो पृथ्वी माता को वो नमस्कार करते हैं और उसके बाद वो कहते हैं मैं अपने सत्संग का आधी घड़ी आपको देता हूं, हे पृथ्वी माता आप रुक जाइए। और वैसे ही पृथ्वी रुक जाती है। तो शेषनाग जी पृथ्वी को वापिस अपने ऊपर ले लेते हैं और बोलते हैं और उन दोनों को कहते हैं बस अब आप दोनों अब आप जाइए। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि हम कैसे चले जाएं, फैसला तो हुआ ही नहीं। तो शेषनाग जी कहते हैं फैसला तो हो गया, आपको पता ही नहीं चला, आपने अपने सारे जीवन का तप पृथ्वी माता को रोकने में लगा दिया लेकिन पृथ्वी माता नहीं रुकी। लेकिन गुरु वशिष्ठ जी ने अपने सत्संग की सिर्फ एक आधी घड़ी उनको समर्पण कर दी तो पृथ्वी माता रुक गई। तो फैसला तो हो गया कि क्या बड़ा, तप बड़ा या सत्संग बड़ा। तो ये है सत्संग की महत्वता कि कितने कहीं भी हो आप सत्संग जरूर सुनो, जैसे भी सुनो लेकिन सत्संग जरूर सुनो, क्योंकि उसी में ही आपकी गति है। जब आप ऊपर जाएंगे, जाना तो सबने है, तो वहां आपके कर्मों का लेखा देखा जाएगा, साथ में ये देखा जाएगा कि आपने सत्संग में कितने पल बिताए हैं, क्योंकि सत्संग में साक्षात गुरु जी विराजमान होते हैं, भगवान उस समय आपके पास होते हैं। और जब भगवान आपके पास हो गए तो आपका सब कुछ बदल जाएगा, आपके बुरे कर्म भी अच्छे कर्म में बन जाएंगे, आपकी बुरी तकदीर भी अच्छी तकदीर बन जाएगी, आपके जो बुरे लेख हैं वो भी आपके हाथों की लकीरें बदल देंगे गुरु जी। तो गुरु को धारण करना इतना जरूरी है क्योंकि गुरु गूंगे गुरु बावरे गुरु के रहिए दास, गुरु जो भेजे नरक नू स्वर्ग की कीजिए आस। चाहे आपके गुरु कैसे भी हैं लेकिन आपको अपने गुरु पे इतना फेथ होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए, उनके लिए इतना कंप्लीट सरेंडर होना चाहिए कि अगर आपको गुरु नरक में भेजने की भी बात बोले ना तो आपको ये फेथ होना चाहिए कि गुरु अब आपको स्वर्ग में ही भेजेंगे। तो ये होता है डायरेक्ट कनेक्शन। संगत कहती है कि डायरेक्ट कनेक्शन कैसे बनाएं? आपकी फैमिली है, जैसे आप अपने बच्चों से, जैसे आप अपने पेरेंट्स के साथ बातें करते हैं, खुश रहते हैं, हर चीज में उनके साथ इन्वॉल्वमेंट रहते हैं, ऐसे गुरु जी के साथ लीजिए। जहां जा रहे हैं चलिए गुरु जी, जो खा रहे हैं लीजिए गुरु जी, खाइए गुरु जी, पहनिए गुरु जी, गुरु जी आज ये दिक्कत है, गुरु जी आज ये प्रॉब्लम, गुरु जी आज ये खुशी की बात है। तो ये डायरेक्ट कनेक्शन है, आप ऐसे बनता है तभी प्यार मिलेगा गुरु जी का, क्योंकि हम गुरु जी को कुछ नहीं दे सकते, देने वाले वो है, मालिक है।
हम सिर्फ प्यार दे सकते हैं। और गुरु जी कहते हैं अपना जो देना है तो अपना अहंकार मुझे दे दो, मेरे पास आते हो तो बोला करो कि गुरु जी हमें बख्श दो, हमें इस कीचड़ से निकाल दो। कीचड़ क्या है? हमारा अहंकार, हमारी ईगो, वो कीचड़ है। और हम मनुष्य कोई रोजाना कोई ना कोई जाने अनजाने कोई ना कोई गलती करते ही करते हैं, तो माफी मांगो कि गुरुजी हम माड़े हैं या चंगे हैं या मंदे हैं, जैसे भी हैं आपके हैं, हमें बख्श दो गुरुजी और सर्वदा भला करो। पेड़ पे देखिए कितने पत्ते होते हैं, लेकिन पेड़ हमेशा अपने फल या फूल से जाना चाहता है। तो वो फल बन जाओ, वो फूल बन जाओ कि जिसे लेने के लिए दुनिया तरसती है। पत्ते कोई नहीं लेता, पत्तों के नाम से पेड़ नहीं जाना जाता। सब कहते हैं अरे ये तो आम का पेड़ है, ये तो गुलाब का पेड़ है। तो वो बन जाओ, तो गुरु जी की रजा में राजी रहना सीख लो। तो अगर जिसने ये सीख लिया तो आपको स्वर्ग ऊपर नहीं यही मिल जाएगा। तो संगत जी आज का सत्संग बस गुरु जी से यही आज्ञा लेते हैं, और गुरु जी की अगर कृपा हुई मेहर हुई तो फिर दोबारा जल्दी जरूर मिलेंगे। गुरु जी से मैं यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी सर्वदा भला कीजिए, जैसे दुख मेरे दूर किए सबके दुख दूर कीजिए, जैसे सुख मुझे दिए वैसे ही सबको दीजिए, सर्वदा भला कीजिए, सबको प्यार कीजिए। संगत जी सब में गुरु जी हैं, सब में भगवान बसते हैं। जिसने ये बात समझ ली, नीवे हो गए, शुक्राना कर लिया, ग्रेटिट्यूड अपना लिया, अहंकार सौंप दिया गुरु जी को, अपनी ईगो दे दी, सरेंडर कर दिया, तो बस इससे बढ़िया ब्लेसिंग और कुछ नहीं। जय गुरु जी, बहुत ब्लिसफुल और डिवाइन जर्नी आपने शेयर की है ब्लेसिंग आंटी। एम आई ऑडिबल आंटी? जय गुरु जी। ओवर टू यू रजनी आंटी। जय गुरु जी। रजनी राजपूत आंटी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जय गुरु जी। हेलो, जय गुरु जी। सुरेश अंकल, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल अंकल? जय गुरु जी। रजनी आंटी प्लीज कैरी ऑन। जय गुरु जी। आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक वंदना आंटी का इतना खूबसूरत, इतना अच्छा जो उन्होंने हम लोगों को आज गुरु जी की एक महिमा का महिमा मंडन किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। एक बात कहना चाहूंगी कि गुरु जी से मैं 2019 में ही गुरु जी ने मुझे बुलाया है, और जिंदगी में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया उसके बाद कि अब ऐसा महसूस होता है, और मुझे नहीं बहुत लोगों को महसूस होता होगा, सारी संगत ऐसा महसूस जरूर करती होगी कि अब हमें किसी चीज से डर नहीं लगता। जैसे वंदना आंटी ने अभी बताया कि गुरुजी पे छोड़ दो, जब गुरुजी पे छोड़ दिया तो अंदर से एक जो डर सा था मन विचलित अब नहीं होता आसानी से। ये जरूर है कि इंसान है, कभी कोई बहुत बड़ी विपदा आ जाए, जो भगवान करे किसी पे गुरुजी किसी पे भी ना आने दे, लेकिन ये रोजमर्रा की जिंदगी का एक डर, क्या हुआ, कौन गया, कौन आया, देर हो गई,
कोई रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बस गुरु जी का नाम लेके ऐसे लगता है कि अंदर से कि बस अब कोई डर की बात नहीं है, हम सब सेफ हैं, हम गुरु जी की संगत हैं, और जो नहीं भी संगत हैं वो भी, जो ये सुन रहे हैं वो भी, जो नहीं सुन रहे हैं वो भी, जो थोड़ा भी गुरु जी के बारे में कुछ जानते हैं वो सब, अंदर से ये एक जो भावना पैदा हो गई है ये इतनी इतनी शक्तिदायक है अंकल, मैं बयान नहीं कर सकती कि अब हमें, मैं बहुत डरपोक किस्म की थी और अब ऐसा ऐसा महसूस करती हूँ कि गुरुजी ने ऐसा क्या बदलाव कर दिया अंदर, ऐसी क्या क्या चीज आ गई है कि सबसे बड़ी बात मुझे यही इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है कि गुरु की सुबह उठते ही गुरुजी के पास जाना, रात को सोने से पहले गुरुजी, सारा दिन गुरुजी। और ये नहीं है कि हम कोई साधु संत बन गए, नहीं, हम अपना जीवन जी रहे हैं। मैं एक आर्मी फैमिली को बिलोंग करती हूँ तो हम लोगों की एक अच्छी खासी सोशल लाइफ रही है, लेकिन ये बात मुझे अब पता चली कि कितने हजारों आर्मी ऑफिसर्स गुरुजी की संगत हैं, जो मुझे नहीं मालूम था, जो मुझे अब पता है। इसी विषय में एक छोटा सा, अगर अंकल समय है तो एक छोटा सा सत्संग बताना चाहती हूँ। आंटी प्लीज कैरी ऑन। तो ये एक एक बहुत ही होनहार लड़के की बारे में बताना चाहती हूँ, जो एक फौजी फैमिली का है, जिसके दादा नाना मामा चाचा सब फौज में, और वो भी फौज में जाना चाहता था। तो अभी उसका जो आर्मी का जो टेस्ट होते हैं, मुझे इतनी डिटेल में तो नहीं मालूम, लेकिन उसके वेरियस टाइप की स्क्रीनिंग होती है, तो इन इस बच्चे की भी हुई, तो वो हर चीज में अव्वल आया, लेकिन एक छोटा सा मेडिकल आई टेस्ट होता है उसमें उसका थोड़ा सा कलर ब्लाइंडनेस आ गया और वो रिजेक्ट हो गया। अब उसके रिजेक्ट होने से उसका ऐसा दिल टूटा, ऐसा दिल टूटा, उसने कहा मेरे तो खून में फौज है, मैं और कुछ नहीं करना चाहता, मैं फौज में ही जाना चाहता हूँ। और उसके नाना और दादा जो सब लोग फौज में अच्छी अच्छी रैंक्स पे थे, वो भी परेशान हो गए कि ये क्या नई चीज हो गई, इसको सब कुछ अच्छा दिखता है, बस थोड़ी सी कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम आ गई। खैर वो ये बात हुई बेंगलोर में, उसके बाद उसका 6 महीने बाद फिर टेस्ट हुआ, वो हुआ भोपाल में। अब गुरु जी की महिमा देखिए, इसके नाना जी को कैंसर हुआ था, मैंने पहले भी ये सत्संग शेयर किया था अंकल, कि वो कैसे गुरु जी ने उनको बुलाया, कैसे वो आए गुरु जी के ग्रेटर कैलाश के मंदिर में, और वो गुरु जी की दया से अब बिल्कुल ठीक है। तो अब इस लड़के को जो फौज में जाना चाहता था, जब ये भोपाल गया तो इसके सारे स्क्रीनिंग पास हो गई, इंक्लूडिंग उसके जो आई टेस्ट का था, और वो इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए उसके नाना जी, कि उन्होंने मुझे उसका एक फोटो भेजा, उन्होंने कहा ये देखो उदय का, ये टेस्ट करके आया भोपाल में, बाहर खड़ा है और कितना खुश है। तो वहां पे फौज में एक जर्सी देते हैं पहनने के लिए, जो आपका नंबर होता है, तो मैंने उसको देखा तो मैंने कहा अरे ये तो गुरु जी का नंबर है, उसके चेस्ट पे लिखा हुआ था, इनिशियल स्क्रीनिंग का नंबर था 34। तो मैंने उसके जो ग्रैंडफादर, उनको बोला, मैंने कहा कि उनका नाम जनरल जनमेजा है, मैंने कहा जनरल जनमेजा ये तो हमारे गुरु जी का नंबर, इसका सिलेक्शन तो होना ही था, आप खुद गुरु जी के इतने प्रिय हो गए हो तो आपके ग्रैंडसन का तो होना ही था, देखिए कैसा नंबर लिखा है। तो उन्होंने कहा कि क्या मतलब, मैंने कहा नंबर 7 गुरु जी का है, उनको नहीं पता था। खैर उन्होंने इमीडिएटली थोड़ी देर बाद मुझे मैसेज भेजा, उसमें उसके 3 स्क्रीन टेस्ट हुए थे भोपाल में, इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट 34, मेन इंटर सर्विस कुछ था उसमें 07, मेडिकल 25, सारे नंबर उसके 7। तो मेरा कहने का आशय ये है संगत जी कि जब गुरुजी आपके जीवन में आ जाते हैं, अब उस लड़के को कितना इस चीज का मालूम है हम नहीं जानते, लेकिन वो जानते हैं जिन्होंने गुरुजी के सामने अरदास लगाई कि गुरुजी इसका जीवन अब फौज में ही है, गुरुजी इसको वहीं ले जाओ प्लीज, और ऐसी खुशियों की बछार हो गई है उन लोगों के ऊपर। और देखा जाए तो क्या हम अपने बच्चों को फौज में जब भेजते हैं अंकल, तो हम क्या करते हैं, हमें तो मालूम है कि मौत सामने आ सकती है, लेकिन हम कितनी खुशी से, हमारे मन में कितना जज्बा है कि हमारा बेटा फौज में चला गया, और वो कैसे गया, उसको गुरुजी ले गए। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, शायद इसमें कुछ मैसेज होगा बहुत सारे उन लोगों के लिए जिनके बच्चे किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, किसी कारणवश कुछ
उसमें कुछ अड़चन आ रही है तो वो परेशान नहीं हो, गुरुजी पे आस्था रखें, उनका काम भी बनेगा। उनके भी 34 नंबर, 07 नंबर, 25 नंबर आएंगे और वो जरूर अपने मन की मुरादें पूरी करेंगे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती थी। और वंदना आंटी का फिर से बहुत धन्यवाद, मुझे सुन के इतना अच्छा लगा उनका, कि मैं आशा करती हूँ कि हमें फिर उनका सत्संग सुनने के लिए मिलेगा। तो बस इतना ही कहते हुए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और संत गुरु जी के संगत को बहुत बहुत प्यार। थैंक यू रजनी आंटी, थैंक यू सो मच, जय गुरु जी, थैंक यू रजनी आंटी, थैंक यू सुरेश अंकल और अनंतम शुक्राना गुरु जी का, थैंक यू। आंटी मैं रजनी राजपूत आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लें। रजनी राजपूत आंटी प्लीज। जय गुरुजी अंकल। जय गुरुजी आंटी, प्लीज प्रोसीड। जय गुरुजी। सबसे पहले तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, और दूसरा शुक्राना सुरेश वासन अंकल आपका, हमें शुक्राना गुरुजी महाराज का मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म देने के लिए, जिसमें हम इतने अच्छे अच्छे सत्संग हम सब संगत को सुनने को मिल रहे हैं। गुरु महाराज अपनी कृपा आप पर ऐसे ही बनाए रखें और सब संगत पर अपनी मेहर बनाए रखें जो इतने प्यारे प्यारे हमें सत्संग सुनाती हैं। क्योंकि जैसा कि गुरु महाराज जी ने कहा है, सत्संग करण वाले दा भी भला और सुनन वाले दा भी भला, तो गुरु महाराज अपनी मेहर सब पर बनाए रखें। और वन्ना दी, क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी सिस्टर बनाया हुआ है और वन्ना दी मेरे बड़े सिस्टर हैं, तो वन्ना दी ने बहुत ही अच्छा सत्संग सुनाया है और हम सब संगत को उसमें गुरु महाराज जी ने जो भी हम लोगों के लिए जो मैसेज होगा, जिस भी संगत के लिए जो ब्लेसिंग होगी, वो तो हमें मिल ही जाएंगी। और मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूंगी वन्ना दी का, जिन्होंने हमें इतना प्यारा सत्संग सुनाया। थैंक यू सो मच वन्ना दी। थैंक यू रजनी आंटी, थैंक यू सो मच आपका तय दिल से, और सारी संगत का भी अनंतम शुक्राना जो आज ये प्लेटफॉर्म पे जुड़े और उन्होंने गुरु जी की ब्लेसिंग ली। थैंक यू सबको, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच। और दूसरा शुक्राना रजनी आंटी का, रजनी आंटी थैंक यू सो मच, आपने भी अपना सत्संग शेयर किया, बहुत ही सुंदर सत्संग है आपका भी। और मैं अब सब संगत से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मैं गुरु महाराज जी के लिए मुझे एक भजन की मतलब तीन चार लाइन्स याद आ रही हैं, मुझे नहीं पता कि गुरु महाराज जी ने ये लाइन्स मेरे माइंड में क्यों डाली है। क्या अंकल मैं गा सकती हूँ? आप बहुत कुछ गा सकती हैं, जय गुरु जी। शुक्राना अंकल। भूल के भी तेनू कदे मनो ना भुलावा, भूल के भी तेनू कदे मनो ना भुलावा, माफ करी मेरी आखतावां गुरु जी, माफ करी मेरी आखतावां, तू ते कद छड नानी, तू ते कद छड नानी, मैं छड के न जावां, माफ करी मेरी आखतावां गुरु जी, माफ करी मेरी आखतावां, खुश हां मैं ताइयों के तू हर वेले नाले, तेरे बाजो दुनिया ते बड़ा बुरा हाले, खुश हां मैं ताइयों के तू हर वेले नाले, तेरे बाजो दुनिया ते बड़ा बुरा हाले, आया है जिते नो हुन, आया है जिते नो हुन, कदे ना गवावा, माफ करी मेरी आखतावा गुरु जी, माफ करी मेरी आखतावा, तू ते कद छड नानी, तू ते कद छड नानी, मैं छड के न जावा, माफ करी मेरी आखतावा गुरु जी, माफ करी मेरी आखतावा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का, और गुरु महाराज जी हमसे जो कुछ भी भूल चुकी हो हमें माफ कर दीजिएगा, और बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का।
और सुरेश वासन अंकल आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, वंदना आंटी और रजनी आंटी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी रजनी आंटी। इसी के साथ गुरु प्रभा की तरफ से वंदना आंटी आवर डियर ब्लेसिंग आंटी, आपको हमेशा गुरु परिवार अब ब्लेसिंग आंटी के नाम से ही जानेगा। थैंक यू अतुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और शुक्राना अनंतम, शुक्राना गुरु जी का, एंड आपका भी बहुत बहुत रिगार्ड्स एंड थैंक यू सो मच अंकल। ऐसी सेवा देते रहिएगा, गुरु महाराज ऐसी सबको ब्लेस करें। और बहुत जल्दी गुरु जी महाराज आपको आज्ञा देंगे जी संगत करने के लिए। जय गुरु जी। और ड्यू पूजा आज्ञा लेते हैं गुरु महाराज से। शुक्राना गुरु जी, सरबत का भला करना गुरु जी, सब के कार्य रास करना गुरु जी, शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी, सब शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना जय गुरु, शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी, गुरु जी जहाज लगवाना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आज्ञा आज्ञा शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आज्ञा गुरु जी, इतनी भी ठीक है शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आज्ञा गुरु जी, सब दा भला करना गुरु जी, सब दा भला करना, जिद्दा मेरे दुख कट्टे सारे दा दुख कट्टे।